डेकेड हो चुका है बराबर, उतना ही टाइम हो गया हमें इस इंडस्ट्री में, और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि प्यार जितना मिला है पहले साल से ही वो आज भी उतना कांस्टेंट रहा है, और हम भले ही हमने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की हो लेकिन वो जादू चला है लोगों पर, लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है हमने जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो प्यार और सपोर्ट और साथ हमेशा से मिला है सिंस सीजन वन एज मानिक एंड नंदिनी, और इसीलिए फैंस की बदौलत ही हम बार बार सीजन 3, 4, 5 लेकर आ रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड है, ऐसे कम शोज होते हैं कि फैंस की वजह से वो शो वापस आ रहा है, सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। निधि मैम और आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट सीजन की शुरुआत की थी उस सीजन से ये सीजन तक क्या क्या आप लोगों में अपने बदलाव हुए, आपके करियर वाइज या कितना आप चेंज हुए, क्या क्या कुछ चेंज हुआ टेक्नोलॉजी वाइज शूट में, अगर आप मुझे बता सकते। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले हैं, यारिया के पीछे यारिया हुई है, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा, उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली एंड शी इज वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस के रहे हो, जोक थोड़ी था, बट यस आई एम ग्लैड दैट शी इज सेटल्ड नाउ एंड आई एम होपिंग माई सेल्फ टू सी ऑल्सो लाइक हर वन डे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट career wise we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world and humne bhale hi jitna kaam hum kar chuke in 9 saalon mein apart from yariya hum jo pyar hai jo logo ka admiration hai wo wapas kheench laya hai season 5 ke aur of course humne jab season 1 kiya tha to hum sab actually bacche the, we all were like teenagers you know ye show kar rahe the, to of course hum sab evolve hue sab mature ho gaye and pehle bahut competition wala you know spirit tha ki yaar tumne ye scene kiya main bhi aise karungi better karungi, to bahut competition tha। अभी बिकॉज वी हैव ग्रोन वी हैव इवॉल्व, तो अभी ये है कि सीन को हमें कैसे बेटर करना है, इट्स नॉट कि कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटीफुल। सो यस ओके, आपने कहा कि बिग बॉस चल रहा था, मतलब तो क्या आप कभी बिग सर पार्सल आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में, लोग चाहते कि आप बिग बॉस में जाए प्लीज आवाम जानना चाहती है। नहीं अनफॉर्चुनेटली सॉरी बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूंगा जहाँ पर क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट that's why people watch Big Boss and I feel that I won't be entertaining enough as a human being because as Parth I'm a very reserved and shy person, to main apne aap ko khol nahi paunga, apne emotions apne emote nahi kar paunga, to I don't think I would justify for a show like that, it's a great show but for me to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness aur khushiyan aur wahan par main logo ko entertain karna chahunga, so as of now to nahi। मुझे हर साल ऑफर आता है लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ, आई थिंक यस। तो यू नो अगर डेकेड्स की बात करें, आप लोगों ने जैसे 10 इयर्स कंप्लीट किया है, यार अभी फिफ्थ की बात हुई है और अभी हमने जब सेकंड किया था तो थर्ड का एक्सपेक्ट नहीं करा था, थर्ड किया तो फोर्थ का एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो बेसिकली जो भी हुआ है फैन डिमांड पे हुआ है, तो अभी जो भी होगा वो जियो सिनेमास डिसाइड करेगी और फैंस डिसाइड करेंगे कि सिक्स बनेगा या सेवन्थ बनेगा या नहीं। अभी फिलहाल तो फिफ्थ में हमने बहुत कोशिश की है कि फैंस खुश हो जाए कहानी को लेकर, मानिक और नंदिनी को लेकर। जी महीने में जी तो एक्सपेक्ट करना कि कर सकती है फैंस ये भी यू नो कि सीजन 6 भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि ये शो वापस आया है बिकॉज ऑफ ऑल द फैंस, बिकॉज ऑफ देयर लव, सो ऐसा हो सकता है कि उनके प्यार के बदौलत, उनके डिमांड्स के बदौलत, वो जियो को कितना परेशान करते हैं उसके बदौलत। यस सो प्लीज इफ यू वांट सीजन 6 तो प्लीज जियो। सीजन 5 हो गया, सीजन 5 आ गया जी, यू नो ये जानना चाहेंगे अगर सीजन 1 में आप दोनों की बॉन्ड की बात करें और अभी सीजन 5 में आप दोनों की बॉन्ड करते हैं, कितना डिफरेंस आप लोगों को खुद को पर्सनली दिखता है? आप मानिक नंदिनी पूछ रहे हो या पार्थ? वेल टू बी ऑनेस्ट पहले दो सीजन में वो एक किस्म की ऑकवर्डनेस थी, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे और एक किस्म के हम यंग थे, इमेच्योर थे, बस अपने आप को प्रूव करना है वो चीज़ थी, लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फिलहाल देर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस,
और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के. तो वी आर सॉर्टेड दैट वे, वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री. एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है हम दोनों की, तो केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है. सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दैट इज अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स. और एक किस्म का एक ईज और कम्फर्ट है, जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है. नीति के शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी. बट ऑन द कॉन्ट्री यस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है एंड दैट्स वॉट मैटर्स. उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यार कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया था वाह फैन मोमेंट. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो आई गॉट वेरी हैप्पी. मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फोन के अंदर रख दिया, वाज लाइक यू नो इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोना ट्रेजर. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट आल्सो. पढ़ाई लिखाई ठीक है लेकिन आप अपने लाइफ को सुसाइड ना करें, इस तरह का कुछ आप देना. क्योंकि हाल ही में हमने देखा कोटा में काफी हाई सुसाइड रेट्स हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? प्रेशर्स आप अपने माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ एक स्पेशल मैसेज. क्योंकि जी बिल्कुल, इनफैक्ट शुरुआत से मतलब to start with मैं इतना कहना चाहूँगा कि to all the youngsters, unfortunately right now social media ने इतना हमको take over कर लिया है कि उसके based के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं. हम देखते हैं कि हमें कितने likes मिल रहे हैं या कितने comments मिल रहे हैं, और अगर आज इतने likes नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने likes क्यों मिल रहे हैं. सो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए हैं, विच इज एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट. क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you. And studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress. So I would rather recommend ke it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt. But don't, since the teenage period is the most vulnerable period, so it's for the parents to guide them, it's for their respective siblings to guide them, because kahin na kahin wo ek gumrah ho jate, bhatak jate apne raste mein. But aisa zaruri hai ki unko elders guide kare, parents guide kare. So it goes down to all the parents out there ki aap apne bachcho ko theek se shiksha de, apart from the education, how to live your life smoothly and happily. That is what is I feel everyone's responsibility over here. मतलब पहले के टाइम में कोई कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ कोई सैड नहीं होता था, आजकल एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स ये सब आ गया, बिकॉज इतना कंपटीशन है. इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑलवेज किसी के साथ, ये या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स. यू नो इट्स जस्ट आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स. आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें. आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, बट प्लीज थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिकॉज इट कैन चेंज समवन एल्सेस लाइफ. सो डोंट डू दैट. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.